काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आईटीआई थाना क्षेत्र के महुआखेड़ा गंज में स्थित मैक्स प्राइड फैक्ट्री में श्रमिक की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि श्रमिक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस बल भी वहां मौके पर तैनात हो गया। होता यार ऐसे नहीं होता यार। अगर तुम्हारी तो तुम्हारे कंपनी में मैक्स इंडिया प्राइवेट रबड़ कंपनी है, एक जो मुवाखेड़े में है, इसमें हमारे चाचा जी काम करते हैं। इनका नाम बाबूराम है, ग्राम कल्याणपुर में रहते हैं। इनके 5 बच्चे हैं, एक 18 साल का है और बाकी 4 नाबालिग हैं, एक 2 लड़के और 3 लड़कियाँ। तीनों लड़के हैं 18 साल से कम की हैं। तो यहाँ 3 तारीख को कंपनी में काम करने के दौरान कंपनी वालों ने बोला कि 2 दिन का शटडाउन था, तो साफ सफाई चल रही थी कंपनी की, तो जो बॉलर है उस बॉलर में एसिड डाला जा रहा था। कंपनी के माध्यम से जानकारी पता चली है कि उस बॉलर में एसिड डाला जा रहा था, और उस एसिड के दौरान जब एसिड डाला, 2 बार डाल चुके थे, तीसरी बार जब उन्होंने डाला तो वो पानी के दौरान उसमें जो भी रिफ्लेक्स हुआ, पानी उबाल मारा, उनकी सारी बॉडी पे आ गया। 90% डॉक्टरों ने बताया था कि 90% बर्न हुआ है, मतलब 90% जल चुकी है बॉडी। उसके बाद काशीपुर लेके गए अस्पताल में, फिर यहाँ से रेफर मुरादाबाद किया डेंटल, उसके बाद जो है दिल्ली गया, लेके गए हम लोग दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद जो है 2 दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, 2 दिन के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हम सब लोग रहना चाहते हैं कि इनके परिवार की जो हेल्प हो सके। मतलब ये है कि 5 बच्चे हैं, अब कोई किसी का नहीं होता है, तो कम से कम कंपनी के लिए इतना काम किया उन्होंने, इतना समय दिया, तो कंपनी का फर्ज बनता है कि उनके भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी वगैरह कुछ ऐसा मतलब कर पाएँ जो कंपनी मतलब बच्चों का लाइफ सिक्योर हो सके, बच्चे पढ़ पाएँ, या फिर उनका भी जो वाइफ हैं वो भी हैं, 5 बच्चे हैं, टोटल मिला के 6 सदस्य हैं, ताकि ऐसा कुछ करें कंपनी वाले जिन्हें लगे कि भाई बच्चों की शादी के लिए पूरा जो फ्यूचर है उनका, पूरी ज़िंदगी जो है संभल सके। क्योंकि जब बाप नहीं रहता है तो हर कोई को मौका मिल जाता है सर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक सब हम लोग जो हमारी बात है जो मनवाने चाहते हैं, हम जो भी कंपनी की तरफ से मिले, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ज़बरदस्ती प्रेशर कर रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो 3 लड़कियां हैं उनकी और 2 जो बच्चे हैं बेटे हैं उनके बारे में कंपनी कुछ ना कुछ सोचे पूरे मामले में। फैक्ट्री कर्मियों का कहना है कि जो फैक्ट्री कर्मी हैं सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं है इसमें कंपनी में, तो कंपनी को वो चीज़ मुहैया करानी चाहिए ताकि आने वाले जो और भी एम्प्लॉई हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो सके जो इनके साथ हुआ है। इनके साथ इस कंपनी में 2 बार हो चुका है, एक बार बॉलर से कोयला गिर गया था, इनके हाथ में जल गया था, तो उस दौरान भी काफ़ी छुट्टियां नहीं इन्होंने, तो खर्चे वर्चे में दिक्कत आई। तो हम चाह रहे हैं कि जो इनके 5 बच्चे हैं कंपनी उनके लिए कुछ कंपनी बोला गया कि कंपनी सेफ्टी मुहैया कराए, लेकिन उस समय कंपनी में कोई सेफ्टी बेल्ट के लिए बोला गया है, अब सेफ्टी बेल्ट देना चाहती है कंपनी नहीं हो तो कंपनी की है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 व्यक्ति यहाँ 15 साल से बाबूराम जी हैं जो यहाँ नौकरी करते थे, परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जो इस फैक्ट्री में यूज़ होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री वाले, गांव वाले, पूरे सारे लोग यहाँ हैं कि भाई एक मानवता के नाते भी फैक्ट्री का मालिक है वो इस परिवार से बात नहीं कर रहा, GM है भाग गया है, फैक्ट्री बंद कर दी है। ये तो लग रहा है कि जैसे आज के बाद फैक्ट्री नहीं चलाएगा, मानवता भी कोई नाम की चीज़ होती है, ये यहाँ है कोई कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? इतनी अप्रिय घटना अगर तुम्हारे यहाँ घट जा रही है, कितनी तो सेफ्टी के आप काम करते होंगे कि जो आपके फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी एक घटना घट गई और एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है, ये बॉयलर से चल रहे थे, उसके बाद इनको पहले के लिए हॉस्पिटल से मुरादाबाद और उसके बाद किसी भी कंपनी के द्वारा इलाज कराएगा, तो आज इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनकी वहाँ रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि कोई आंसू उठाए, कहीं ना कहीं मुआवजे की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हम लोग उनका कहना है कि अगर इनको कोई भी शिकायत है ये FIR दे सकते हैं, हम लोग इनकी
पूरी रात गुजार देंगे, 24 घंटे हो जाए, 48 घंटे हो जाए, कुछ हो जाए।